दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बीएड वर्सेस बीटीसी का कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद से केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्जाम हुआ था केबीएस का, खास करके पीआरटी लेवल का, उसका अब क्या होगा, इस पर काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि केबीएस, आप सभी लोग जानते हैं, केबीएस पीआरटी रिजल्ट ही इसलिए रुका था क्योंकि उन्होंने दो लिस्ट बनाई थी, एक बीएड के साथ जो आप लोग को भी पता होगा और एक बिना बीएड के। तो जो बिना बीएड में है उसमें ऑब्वियसली जो है कटअप थोड़ा सा नीचे गया होगा क्योंकि उसमें जो है सिर्फ डीएलएड के या उस लेवल के कैंडिडेट हैं, और जो बीएड के साथ वाला है उसमें बीएड वाले भी हैं तो उस हिसाब से वो कटअप वगैरह होगी। तो अब यहां पर ये बात कहीं ना कहीं अब खास करके केबी के लिए, तो अब ये बात निश्चित है कि केबी अब जो सुप्रीम कोर्ट का नया गाइडलाइन है वो एनसीटी फॉलो करेगा और एनसीटी का गाइडलाइन केबी फॉलो करेगा। देखिए, स्टेट की जब हम बात करते हैं, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो और किसी भी स्टेट की बात करें, तो वहां पर स्टेट एक अपने आप में फिल्टर है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को भी कई सेक्शंस दिए गए हैं, अपने पॉइंट्स दिए गए हैं चीजों को मतलब अपडेट करने के लिए। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय क्या है, भारत सरकार के अंतर्गत आएगी, अभी केंद्रीय विद्यालय है या जो ईएमआरएस है, मतलब इस तरह की चीजें जो एकदम एग्जैक्टली डिट्टो केंद्र सरकार को फॉलो कर रही है, वैसे स्थिति में यह बात कहीं ना कहीं क्लियर है कि वो बीएड को माने नहीं करेंगे क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। लेकिन एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से हमें समझ जाना है दोस्तों, बहुत क्लियरली समझ जाना है कि ये जो मान्यता है, तो जो कोर्ट है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे केबीएस या कोई नहीं करेगा। यहां पर इस बीच में एनसीटीई है ना, एनसीटीई और जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट है, बेसिकली ये संस्था तो गवर्नमेंट की ही है, इंडिया गवर्नमेंट की ही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये एनसीटीई को अपना जो है ऑब्वियसली जारी किया है, अब इसके बाद एनसीटी और गवर्नमेंट मिलकर यहां पर जो है इनके बेसिस पर वो काम होगा, तो ये अलग नहीं है इससे। हाँ, स्टेट की जब हम बात करते हैं, चाहे आप बिहार की बात करिए या यूपी की बात करिए, एमपी की बात करिए या जहां जहां पर भी वैकेंसीज है, तो ये है, यहां पर एक फिल्टर है अपना जो स्टेट अपने हिसाब से चीजों को करता है, चाहे वो एलिजिबिलिटी में, मार्क्स में, कई चीजों में, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। लेकिन स्टेट भी अब यहां पे कह रहा है कि भैया एनसीटी जो करता है हम तो वही करेंगे एग्जैक्टली, है ना। कुछ चीजों में जैसे मैंने आपको बोला भी था कि जो बेसिक मार्क्स होता है सीटेट का, एनसीटी बोलता है कि 90 नंबर में फीमेल पास है, जनरल फीमेल, लेकिन बिहार वाले 82 में मान लेते हैं, तो अपने हिसाब से कुछ और वो उसके पास है। लेकिन केवी जो है, इस तरह की जो चीजें हैं इनके पास कुछ ये नहीं है, ये एज इट इज गवर्नमेंट को फॉलो करता है। तो अब यहां पर ये गया है, अब एनसीटी के पास यहां पे दो रास्ता है, या तो ये यहां पे रिवर्ट करेगा जिसकी अभी तक तो फिलहाल कोई सूचना नहीं है, और अगर रिवर्ट नहीं करता है तो अगर ये नया गैजेट जारी कर देता है कि भैया अब जो है बीएड वाले फिर से अप्लीकेबल नहीं होंगे, तो यहां पर अब कैसे होंगे, आज से अप्लीकेबल नहीं होंगे कि जो मतलब क्या कहते हैं 2018 से ही अप्लीकेबल नहीं होंगे कि ऑनगोइंग जो चल रहा है वो सब रद्द हो जाएंगे, तो क्या कहेगा ये एनसीटी कहेगा, उसके बेसिस पर केबीएस अप्लाई करेगा। अच्छा, केबीएस को सिर्फ इससे मतलब है कि एनसीटी जैसे ही बोला कि हम जो है बीएड, जो है बीएड वाले अब यहां पे अप्लीकेबल नहीं है, तो ये अपना केबीएस लिस्ट जारी कर देगा। और ये केबी के खास में स्टेट में, स्टेट वाले वीडियोज आपने मेरे देखे होंगे, वहां पे मैंने एटलीस्ट एक बार ये बात बोला भी है कि क्योंकि ये शिक्षा आयोग जो है स्टेट का, वो इस पर वार्ता करता है और इस पर विचार करेगा और अपना पॉइंट है, क्योंकि स्टेट पे इनका पावर भी है और इनका पावर भी है, लेकिन इस पे सिर्फ इनका ही पावर है। तो इसलिए यहां पर तो अब केवीएस ने तो खुद भी बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर हम वेट कर रहे हैं, और ये भी बोल दिया था कि हमने दो लिस्ट जारी कर लिए हैं। तो अब यहां पर जो है किस प्रकार से, क्योंकि उसी डिपेंडेंट था उस चीज पे और वो बीएड के पक्ष में नहीं आया है, तो केबीएस बिना बीएड वाले ही लिस्ट जारी करेगा और बहुत जल्द जारी करेगा अब, क्योंकि वही चीज पे पेंडिंग था। केबीएस को भी खुद टीचर चाहिए और वो खुद ही जल्द से जल्द जारी करने की सोच रहा है, बस वही बात है कि एनसीटी से उसको लेटर चाहिए, और वो सब चीज जब होगी तो बात आउट भी होगी और चीजों की जानकारी भी होगी और हम लोग देंगे आपको। तो इसी प्रकार से अब ये चीजें चलेंगी। और एक और चीज है कि अब जो कट ऑफ है, क्योंकि अब सिर्फ जितने भी डीएड, डीएलएड या बीटीसी इत्यादि लेवल के बच्चे होंगे वही यहां पर किए होंगे अप्लाई, मतलब उन्हीं का सिर्फ अब मान्य होगा, तो उनके हिसाब से ही केबीएस अब रिजल्ट निकालेगा। तो ये बात बहुत हद तक, मतलब मैंने स्टेट के बारे में बोला कि थोड़ा आप एक बार सोच भी सकते हैं, क्योंकि स्टेट का डिसीजन है कि भाई चल रो जो भर्ती चल रही है उसको छोड़ देते हैं, आगे से हम देखेंगे, तो वो तो एनसीटी से वार्ता कर सकता है या भारत सरकार से। लेकिन केबीएस में अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एक ही शर्त पर,
बस एक ही शर्त है, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, एक ही चीज है कि केवीएस फिर से होल्ड कर देगा रिजल्ट को, जब अगर गवर्नमेंट या एनसीटी बोलेगा कि अभी हम जो है इस डिसीजन पर भी फिर से पुनर्विचार के लिए बोल रहे हैं, या इसके लिए हम कोई दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं, जैसे कुछ कोई दूसरा लॉ पास करा दिया गया बीच का कुछ रास्ता निकाल के, तभी ही केवीएस फिर से होल्ड पे जाएगा और इस डिसीजन का वेट करेगा। अगर एनसीटी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं देता है तो, या गवर्नमेंट इस प्रकार का कोई संकेत नहीं देता है तो ये तो गवर्नमेंट ही है, तो फिर वो अगर ये क्लियर कर कुछ तो देगा ना कि हम पुनर्विचार को जा रहे हैं या हम उनके डिसीजन को मान रहे हैं। तो अगर बोलेगा डिसीजन को मान रहे हैं तो केवीएस इमीडिएटली इंपैक्ट हो जाएगा, है ना। राज्य सरकार में फिर भी वार्ता होगी लेकिन केवीएस इमीडिएटली इंपैक्ट होगा। हालांकि राज्य सरकार भी अगर आप देखिएगा तो मतलब यूपी में तो क्लियरली बोल दिया गया है, जो अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है एनसीटी से जो आएगा हम लागू करेंगे। बिहार में भी कुछ उसी टाइप की बात बोली गई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारी भर्ती चल रही है और भर्ती एनसीटी के आधार पर ही हम लोग कर रहे हैं, तो ये भर्ती हम लोग करेंगे, बाकी आगे जो है एनसीटी का जब नोटिस आएगा फिर उस पर विचार किया जाएगा। तो आगे इसी भर्ती पर विचार किया जाएगा कि आगे आने वाली भर्ती पर विचार किया गया, वो तो राज्य सरकार पर डिस्कशन चलेगा, लेकिन यहां पर आप ये मान के चलिए कि बस एनसीटी के लेटर का जरूरत है। एक बार एनसीटी इस लेटर के आधार पर गेजेट निकाला, तुरंत आपका केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें बीएड कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये पुनर्विचार को गया या किसी भी तरह की रीथिंक की बात हुई तब आपको यहां पर मिल सकता है और आपको जो है वहां पर फिर से वो होल्ड पे जाएगा उनके उस केसेस में, तो जो भी होगा समय के साथ पता चलेगा। वैसे यहां पर तो ये डिसीजन में कल भी आपने देखा ही तक क्लियरली लिखा हुआ है, इन आवर कंसीडर्ड ओपिनियन देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड, यहां पर देख लीजिए 30/5/2018 है ना, इन द नोटिफिकेशन डेटेड ये 8/6/2018 को वो आया था, ऑफ एनसीटी आर वायलेटेड ऑफ द प्रिंसिपल एज लेड डाउन इन आरटी एक्ट, तो ये बोल ही दिया है तो अब उसी हिसाब से अब इनको क्या करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो बाकी फिलहाल के लिए यही दो एंगल है चीजों का, आगे के अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए, जो भी चीज होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।